ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस तबाही मचा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। इसी तरह गुजरात में 1163 मामले सामने आ चुके हैं और 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। सबसे कम केस राज्यों के आंकड़ों के अनुसार बिहार में ब्लैक फंगस के 103 केस मिले हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 101 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस की पुष्टि हुई है, वहीं एक मरीज की जान जा चुकी है। तेलंगाना में 90 मरीज मिले हैं और 10 की मौत हो गई है। कर्नाटक में भी ब्लैक फंगस के 97 मरीज मिले हैं। यूपी, हरियाणा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 575 केस आ चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 169 लोगों में ब्लैक फंगस मिला है और 8 मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 203 केस मिले हैं और 1 की मौत हुई है। हरियाणा में 268 मरीज मिले हैं, यहां 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि वो कोरोना मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन दवा के लिए सरकार से आवेदन करना पड़ रहा है। ऐसे में दवा मिलने में समय लग रहा है, जिससे मरीजों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। डॉक्टर को डर है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ब्लैक फंगस की दवा का भी संकट हो सकता है, तब मरीजों की जान बचाना मुश्किल होगा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर DS राणा का कहना है, सरकारी अनुमति से दवा की आपूर्ति बेहतर है, पर मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था डगमगा सकती है।